हाँ वेलकम है मेरे ब्लॉग में आपका। और आज हमारा थर्ड डे है जिम करने का। और मैं सोच रहा था आज मैं लेट हो गया, बट लेट नहीं हुआ हूँ। यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम मुझे हो गया था। तो आज यहाँ पर तो कोई अभी आया ही नहीं है, मुझे लग रहा है मैं ही सबसे पहले आया हूँ। नीचे एक दो बच्चे दिख रहे थे नीचे वाले सेक्शन में, बट यहाँ तो कोई नहीं है। कार्डियो करने के लिए ऊपर कोई भी नहीं आया है, तो सबसे पहले मैं ही आया हूँ। और कार्डियो करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्डियो से एक तो शरीर फिट रहता है, ऊपर से इंजरी होने के चांस बहुत कम होते हैं, और शरीर फ्लेक्सिबल भी रहता है। ये देखो, तो चलिए आज मेरा शोल्डर का वर्कआउट है और दिखाता हूँ कि शोल्डर का वर्कआउट कैसे करना चाहिए। इसके बाद मैं अपने कंधों को थोड़ा घुमाता हूँ, जिससे मेरे कंधों में कोई इंजरी नहीं आए, और ये घुमाना बहुत ज़रूरी भी होता है। इसके बाद में मैं अपने दोनों कंधों को घुमाता हूँ, फिर मैं मारता हूँ पुशअप। मैंने ज़्यादा पुशअप आज इसीलिए नहीं लगाए क्योंकि आज मुझे शोल्डर की वर्कआउट भी करनी थी, और उसमें मेरी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी खर्च होने वाली थी। इसके बाद में फिर मैंने पुशअप मारे, और ये मैंने एक टायर रखा था उसी पे मारे थे, जिस पे हथौड़े से वार किया जाता है, जो मैंने आप। और इसके बाद में मैं करता हूँ साइकिलिंग, जो कि करते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि इससे मेरे बचपन की याद आती है। इसके बाद में हम रॉड लेके थोड़ी देर घुमाते हैं अपने कंधों को, जिससे हमारे कंधे कभी इंजर्ड ना हो और हमेशा के लिए सही बने रहें। चलिए अब हम करते हैं अपने शोल्डर की वर्कआउट। ये मेरी सबसे पहली एक्सरसाइज थी और काफ़ी हार्ड भी थी, तो इस एक्सरसाइज के मैं 15-15 के 3 सेट लेता हूँ। इसमें मैं डंबल लेके शोल्डर की एक्सरसाइज करता हूँ, ये मेरी दूसरी एक्सरसाइज थी। ये मेरी शोल्डर की थर्ड एक्सरसाइज थी, और सॉन्ग देखिए कितना सही चल रहा है, सुनिए। ये भैया मुझे एक्सरसाइज करना सिखाते हैं, जो कि हमारे जिम के ट्रेनर हैं, और इनने मुझे ये एक ही एक्सरसाइज करना सिखाया है, और अभी तक कोई भी एक्सरसाइज करना नहीं सिखाया है। ये मेरी शोल्डर की पांचवी एक्सरसाइज होती है, और इसमें देखिए काफ़ी शोल्डर पे पंप भी आ रहा था, लेकिन ये एक्सरसाइज करते हुए मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। ये मेरी शोल्डर की छठी एक्सरसाइज थी, और ये मैं ऐसे कर रहा था, बट मैं ये गलत कर रहा था। फिर मुझे जिम के ट्रेनर आके बताते कि ये तुम गलत कर रहे हो, उसके बाद में मैंने इसे सही कर लिया। जिम के ट्रेनर ने मुझे ये एक्सरसाइज करने के लिए ऐसे बताया, फिर मैंने ऐसे ही। और ये मेरी शोल्डर की सातवीं एक्सरसाइज होती है, और साइड में खड़ा भाई ये मुझसे पूछता है बार बार कि भैया ये एक्सरसाइज कैसे की जाती है, फिर मैं इसे बताता हूँ। और इस एक्सरसाइज के साथ में आज की मेरी शोल्डर की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट।